everybody and welcome back to another video. आज मेरा कीबोर्ड खराब हो गया. मतलब आज अगर मैं मेरे कीबोर्ड में कितना भी बटन दबा लूं कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा लिटरली पूरा कीबोर्ड खराब हो गया है. पर सरप्राइजिंगली गाइस कीबोर्ड का लाइट चल रहा है पर कीबोर्ड का बटन नहीं चल रहा है. मैं कोई बटन दबाऊं कुछ काम ही नहीं कर रहा है. और अगर तुमको अभी तक नहीं पता तो बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब अगर मेरे को माइनक्राफ्ट खेलना हो तो मैं बस माइनक्राफ्ट में ये कर सकता हूँ, बस ये. और मैं बस ऐसे ब्लॉक लगा सकता हूँ. मतलब बिना कीबोर्ड के मैं आगे कैसे बढ़ू? बस मैं माइनक्राफ्ट में इतना ही कर सकता हूँ. मैं क्रिएटिव मोड में तक नहीं जा सकता हूँ. अगर मुझे क्रिएटिव में जाके उड़ना हो या कुछ करना हो मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ. तो इसीलिए गाइस मैंने डिसाइड किया कि आज हम लोग जाने वाले अमेज़न पे और ऑर्डर करने वाले एक बहुत ही मस्त सा गेमिंग कीबोर्ड. सो गाइस ये हम लोग आगे अमेज़न में और अभी हम लोग सर्च करने वाले है गेमिंग कीबोर्ड. मैं लिटरली यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ. ऑलराइट, तो ये रहे सारे गेमिंग कीबोर्ड जो हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं. पर नहीं गाइस, हम लोग ये 700-800 रुपए का कीबोर्ड ऑर्डर नहीं करने वाले. हम लोग देखने वाले अमेज़न पे सबसे महंगा कीबोर्ड कौन सा अवेलेबल है. और ये आ गए अमेज़न के सबसे महंगे गेमिंग कीबोर्ड. क्या 60,000 का गेमिंग कीबोर्ड? भाई ये 60,000 के कीबोर्ड वाला क्या है इसमें? देख के तो 200 रुपए का कीबोर्ड लग रहा है. पर नहीं 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 रुको, ये कीबोर्ड में ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ है, टच स्क्रीन गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड. भाई ये कीबोर्ड में ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ है. व्हाट? अबे डिस्प्ले वाला कीबोर्ड है. अबे कीबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले क्या करोगे? मतलब लिटरली मेरे सामने यहाँ पे दो दो डिस्प्ले रखा हुआ है, मैं कीबोर्ड के ऊपर एक और एक्स्ट्रा डिस्प्ले करूँ क्या? भाई वो भी HD डिस्प्ले. 60,000 का कीबोर्ड भाई ये मैं नहीं खरीद रहा हूँ. ओके भाई ये कौन से कीबोर्ड है 57,000 के? 57,000 का कौन सा कीबोर्ड होता है? और ये कीबोर्ड में ऐसा खास क्या है? ये कीबोर्ड को रिव्यू में मिला है, इसमें 126 रिव्यूज है इस कीबोर्ड पे. यार देख के तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा कीबोर्ड लग रहा है, इसमें कुछ अलग लग नहीं रहा है. उल्टा इसमें बाजू का नंबर पैड मिसिंग है. मेरे इस कीबोर्ड में नंबर पैड है, ये देखो बाजू में नंबर पैड. यार मेरे कीबोर्ड का लाइट क्यों चल रहा है यार? अगर कीबोर्ड खराब हो तो पूरा बंद हो जा रहा है एक साथ. आइए इसका रिव्यू पढ़ते. यू कैन गेट बेटर फॉर द प्राइस. साले 60,000 रुपया, वो भी इसका MRP 77,000 लिखा है, 57,000 का बेच रहे हैं. तू 60-70,000 रुपया कीबोर्ड में डालेगा तो तेरे को और कौन सा बेटर चाहिए इससे? ओके प्रोज एंड कॉन्स. हाई क्वालिटी थिक एल्युमिनियम फ्रेम, वो तो मेरे कीबोर्ड का भी है और मेरा कीबोर्ड कुछ 5-6 हजार का था. भाई इसमें एकदम फुल लोखंड है, किसी को मारा भाई मर जाएगा. एक्सपेंसिव, ये जैसे पता ही नहीं था. अबे यार ये फोटो देख के ऐसा कोई एंगल से लग तो नहीं रहा है कि यार 60,000 का कीबोर्ड है. यार 60,000 के कीबोर्ड के लायक लग नहीं रहा है भाई ये. अराइव्ड ब्रोकन. व्हाट? ओ शिट. इमेजिन करो गाइस, तुमने 60,000 रुपए भरे एक कीबोर्ड ऑर्डर करने के लिए और वो कीबोर्ड इस तरह से तुम्हारे घर पे आता है और वहां पे लिखा हो नॉन रिफंडेबल. ओके यहाँ पे 60,000 के कीबोर्ड. ये क्या है? मैकेनिकल कीबोर्ड की कैप पुलर. 50,000 का की कैप पुलर. ओके जिन लोगों को कीबोर्ड्स के बारे में नहीं पता, अगर तुम्हारे पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड है तो मैकेनिकल कीबोर्ड का बटन्स को ऐसा निकाल सकते हो और उसको निकाल के तुम वापस लगा सकते हो. और अमेज़न पे कोई बंदा 50,000 का पुलर बेच रहा है, 50,000 रुपए का की पुलर. ये देख मैं तेरे को फुकट का की पुलर दिखाता हूँ. ये मेरा कीबोर्ड है और ये मैंने कीबोर्ड के बटन को निकाल दिया, लिटरली फुकट का की पुलर. और यहाँ पे 50,000 का बेच रहा है. ओ नहीं एक सेकंड रुको सॉरी 50,000 का 100 पीस बेच रहा है. 50,000 का 100 पीस मतलब एक पीस वो ऑलमोस्ट 530 रुपए के आसपास. और यहाँ पे तुम अपने हाथों के साथ लिटरली फुकट में की निकाल सकते हो. 500 रुपए कौन भरेगा इसके लिए, लेट अलोन 50,000 रुपए. और यहाँ पर मेरे को एक अमेज़न का नेचुरल अर्गोनॉमिक कीबोर्ड मिला है जो ओनली फॉर बिजनेस है. अगर तुम बिजनेस नहीं करते हो तो तुम ये कीबोर्ड नहीं यूज कर सकते. मतलब ये कीबोर्ड में क्या खास है ऐसा? एक तो इसके बटन भी आड़े तेड़े, ये देख के लग रहा है किसी ने कीबोर्ड को तोड़ फोड़ दिया. भाई ये क्या कीबोर्ड का येड़ा डिजाइन है? हे भाई ऐसा कुछ सा कीबोर्ड है? ये कीबोर्ड देख के लग रहा है किसी ने कीबोर्ड को लिया ऐसा फच्च करके फेंक दिया और वो कीबोर्ड ऐसा फैल गया और उसको सुखा के बेच दिया. गाइस गेस व्हाट, मेरे को और भी अजीबोगरीब गेमिंग कीबोर्ड मिले. व्हाट द हेल,
ये क्या कीबोर्ड है, ये क्या कीबोर्ड है, ये क्या कीबोर्ड है, हैं? ये आधा कीबोर्ड कौन बेच रहा है? 7,000 का आधा कीबोर्ड? भाई 7,000 का आधा कीबोर्ड, वहाँ पे 200 रुपए का पूरा कीबोर्ड मिलता है। अबे ये कैसा कीबोर्ड है? लिटरली आधा कीबोर्ड है आधा। यहाँ पे नंबर्स भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है। 7, 8, 9, 0 का है पे। और इन लोग का 6 और G बिल्कुल सेम दिख रहा है। और यहाँ बटन भी पूरे नहीं है। मतलब अगर मेरे को हेलो लिखना है तो मेरे पास यहाँ पे ना H है, ना L है, ना O है। मतलब मेरे को सिर्फ E लिखने के लिए। इतने में कैसे मतलब अपन लिखेगा? So apparently guys, ये एक गेमिंग कीबोर्ड है जो सिर्फ गेमर्स के लिए बना है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग को ऐसा क्यों लगता है कि गेमिंग वाले कभी चैटिंग वैटिंग नहीं करते, कभी बातचीत नहीं करते। मतलब गेम खेलते खेलते मेरा सबसे फेवरेट काम है चैट में लोग को जाके गू खा ले लिखना। और यहाँ पे बटन्स भी नहीं है। ओके, यहाँ पे जी है पर यहाँ पे यू नहीं है, तो मैं गू खा ले नहीं लिख सकता हूँ। पर गाइस, ये कीबोर्ड को देखकर मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि मुझे ये कीबोर्ड मंगा लेना चाहिए। मतलब मेरी भी इच्छा हो रही है ये देखने का कि ये कीबोर्ड काम कैसे करता है। और अगर ये कीबोर्ड सिर्फ गेमिंग कीबोर्ड है तो ये गेमिंग में कैसे काम करता है। ओके गाइस, मेरे को आज का प्लान मिल गया। अब जब मैं ये अजीब सा दिखने वाला गेमिंग कीबोर्ड को ऑर्डर कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं उसके साथ साथ ये अजीब सा दिखने वाला माउस भी ऑर्डर कर लूं। सो गाइस, अगर तुम लोग को अभी तक नहीं पता है, तुम लोग को बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना। अपना जो ये चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। तू सा मतलब ऐसा पहुंचिच के ऑलमोस्ट, मतलब बस 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। और तो अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ऐसा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको जाके दबाओ। वो बटन को दबाने से क्या होगा, ये जो प्ले बटन दिख रहा है इधर उड़ रहा है ऐसा, ये उड़ता दिख रहा है प्ले बटन, ये वाला, हाँ ये वाला, ये ऐसा तुम नीचे बटन को दबाओगे ये फट करके मेरे हाथ में गिर जाएगा। तो जल्दी सब्सक्राइब करो। और अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज के वीडियो का लाइक को रखते हैं 50,000 लाइक्स का। मतलब ये मेरे को एक वियर्ड सा दिखने वाला माउस मिला है जिसको बुलाते हैं द अर्गोनॉमिक डिजाइन माउस, जो कि अर्गोनॉमिकली एकदम खतरनाक होता है माउस। मतलब मेरे को इसका मतलब समझा नहीं, पर ये माउस ना ऐसा आड़ा टेढ़ा माउस है। मतलब अपन नॉर्मल माउस को ऐसा पकड़ता है ना, ये माउस को अपने को ऐसा पकड़ने का। अभी उससे मेरे को मालूम नहीं क्या फर्क पड़ेगा, पर मैं वो वाला कीबोर्ड और ये वाला माउस दोनों को ऑर्डर करने वाला हूँ। और इन दोनों चीजों को अपन ट्राई करके देखेंगे कि ये जो कीबोर्ड और माउस है, ये कीबोर्ड और माउस गेमिंग के लिए कितना अच्छा है। क्या वो गेमिंग कीबोर्ड गेमिंग के लिए सही है? क्या ये अर्गोनॉमिकल माउस एक्चुअली अर्गोनॉमिकल है? जानने के लिए हमें इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, अपना एक प्रोडक्ट आ चुका है। आई थिंक सो ये कीबोर्ड है और मेरा माउस। ओ एक सेकंड, बेल बजा। अबे सही है यार, बैक टू बैक दोनों आ गए। मतलब जस्ट बेल बजा, ये चीज दिया और उसके 2 सेकंड के अंदर फिर से बेल बजा और बता ये देकर गया। तो मेरे को लग रहा है इसके अंदर माउस है और इसके अंदर कीबोर्ड है। साला बोला तो था कि एक हाथ का कीबोर्ड है, इतना बड़ा क्या है? मेरे को लगा था कीबोर्ड भी यही साइज का होगा, पर नहीं, एक्चुअली इसका बॉक्स तो बड़ा होगा, थोड़ा पैकेजिंग बड़ा होगा। पर एनीवे गाइस, अपना कीबोर्ड और माउस दोनों आ चुका है। अब इन दोनों को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये चीज अंदर से कैसा है। गाइस, अगर मेरे मम्मी को मालूम पड़ा कि मैंने कीबोर्ड और माउस बस ट्राई करने के मंगाए कि चीज कैसा होता है, संभावना है मैं आज रात को घर के बाहर सोऊंगा। तो अगर मुझे आज रात को घर से बाहर निकाल दिया गया गाइस, तो प्लीज पे योर रिस्पेक्ट। सब लोग इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि 1 लाइक इज इक्वल टू 1 घर फॉर रॉनी। क्या बोल रहा हूँ मैं। एनीवे यार, चल के डब्बा खोलते हैं। ओके, सबसे पहले खोलेंगे ये छोटे वाले डब्बे को। और ये छोटे वाले डब्बे में आई थिंक सो माउस है। तो इसको पहले खोलने का, साला एक हाथ से जिंदगी निकल जाएगा मेरा, एक हाथ से ब्लॉक कर करके। रुको जरा, इसको खोलने दो। इसको दो हाथ से खोलना कितना इजी होता है। मतलब लोगों के पास जब बंदे होते हैं ना साथ में ब्लॉक करने, कितना इजी होता है लाइफ, और मैं यहाँ पे अकेले बैठ के कर रहा हूँ। तो ओके, अपन ने ये पहला पैकेट खोल लिया और इस पैकेट के अंदर ये माउस है। अभी रुको, तुमको दिखा दूं। तो ये पैकेट के अंदर ये वाला, सॉरी उसको मैं उठाएगा, टेंशन मत लो, उसको मैं उठाएगा। ये स्क्रीनशॉट लेके मम्मी को कोई नहीं भेजेगा मेरे, मैं उसको उठाएगा, पक्का उठाएगा। ओके, तो ये रहा अपना अर्गोनॉमिक माउस। अर्गोनॉमिक माउस मतलब कैसा पकड़ने का ये माउस को। इसको बोल रहे भाई फुल कोजी माउस है। और इस पे ऋतिक रोशन का एको है। व्हाट, क्या आप लोग को पता है ऋतिक रोशन गेमर है? ऋतिक रोशन गेमिंग करता है, ऋतिक रोशन माइनक्राफ्ट खेलता है। एक सेकंड, क्या ऋतिक रोशन TNT डिस्ट्रॉयर बनाता है क्या माइनक्राफ्ट में? गोट्या जरा पता लगाओ। ऑलराइट, तो ये अपना माउस आ चुका है, फुल अर्गोनॉमिक माउस है। इसको रखते है साइड में और खोलते ये बड़े वाले डब्बे को। और सॉरी गाइस, मैं बचपन से ना डब्बों को जंगली की तरह खोलता है, मैं हमेशा से जंगली की तरह डब्बे खोलता हूँ, जंगली की तरह।
ओके, तपन ने इसको खोल लिया और इसके अंदर है हमारा गेमिंग कीबोर्ड। आई मीन आधा बोर्ड, इसको मैं कीबोर्ड नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा गेमिंग आधा। गोल भाई, गोल हो गया वो, देखो सीधा अंदर गोल गया। इंडियन फुटबॉल टीम, इफ यू नीड अ फुटबॉलर प्लीज कॉन्टैक्ट द रॉकनी, एकदम मस्त गोल मारता है अपन। ऑल राइट गाइस, तो ये अपने दो प्रोडक्ट्स है, ये अपना फुल एर्गोनॉमिक माउस है और ये अपना फुल एक हाथ वाला गेमिंग कीबोर्ड है। इस पे सील लगा है ना, और इधर भी ऋतिक रोशन है भाई, ऋतिक रोशन हर जगह है, ऋतिक रोशन ओरिजिनल गेमर है। हम लोग इसको पहले खोल लेते हैं, सील हमने इसका हटा लिया और ये हम पहले कीबोर्ड को खोल के कीबोर्ड को पहले बाहर निकालते हैं। अगर तुम लोग मेरा अभी शक्ल देखो ना ये खोलता हुआ, हंसोगे तुम लोग। वो यहाँ पर तार दिया हुआ है, USB टाइप सी टू USB टाइप ए केबल, और इसके बाद बाहर आए साला कार्डबोर्ड पट के हाथ में आ गया। और ये रहा अपना गेमिंग कीबोर्ड। अबे ये थोड़ा बड़ा है यार, मैंने इसको और छोटा एक्सपेक्ट किया था, ये सरप्राइजिंगली थोड़ा बड़ा कीबोर्ड है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कीबोर्ड का खासियत क्या है? इसमें सिर्फ 37 कीज है, इसमें ब्राइड वाला, अच्छा सॉरी ब्रेडेड केबल है, इसमें 5 कस्टमाइजेबल बटन है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, साले कॉम्पैक्ट मतलब क्या, आधा बटन तो है ही नहीं इसमें। और क्या ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, कहीं लिखा नहीं है, क्या ये कीबोर्ड मैकेनिकल है? आई डोंट थिंक सो। हाँ यार, मतलब बटन प्रेस करके, ओह ओह व्हाट द हेल गाइस, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, मतलब ये एक हाथ वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है। और तुम्हें अगर गेमिंग करना है तुम्हें ऐसे हाथ को रखना है और इसको इस तरह से यूज करना है और स्पेस पर। ओह नाउ आई गेट इट, कि ये कीबोर्ड अपने इस वाले कीबोर्ड से बेटर कैसे है, मतलब ये वाले कीबोर्ड का स्पेस बार यहाँ पर है, मतलब देखो यार कितना मेरा हाथ कितना स्मूथ रहता है कि मैं ऐसे खेलूंगा टपक रहे स्पेस बार दबाऊंगा। बट एनीवे, ये चीज सही से पता लगेगा गेम के अंदर, तो इसको साइड में रखते और चल के खोलते हमारा फुल ऑन गेमिंग, आई मीन अर्गोनॉमिक माउस, अर्गोनॉमिक माउस एकदम कोजी कोजी। ये हमने माउस का डब्बा खोल लिया और ये रहा हमारा अर्गोनॉमिक माउस। भाई ये माउस का शेप एकदम, तो यूजुअली हम लोग माउस को ऐसा देखते हैं कि माउस को ऐसे रख के ऐसे यूज करना है, बट ये जो माउस है ये माउस ऐसा है, मतलब नॉर्मल माउस को मैं ऐसा पकड़ते हैं, इसको हम लोग ऐसा पकड़ेंगे। ओके, इस माउस को मैं ऐसे पकड़ना है, ऐसा पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है, बटन ये अर्गोनॉमिक है, अर्गोनॉमिक है गाइस, अर्गोनॉमिक। ऑलराइट गाइस, अपन ने कीबोर्ड माउस को अनबॉक्स कर दिया है, अभी जल्दी चलकर दोनों को अपने बिस्नी में लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इससे गेमिंग एक्चुअली अच्छा होता है। अगर एक्सपर्ट्स की माना जाए तो ये जो दो चीजें है ना, ये चीजों के साथ मैं और भी प्रो गेमर बन सकता हूँ, बट ये चीज हमें पता लगेगा। मैंने बोला था ना मैं साफ करेगा, देखो साफ किया मैंने, ये गोल गोल चल रहे चेहरी तरह। ओके गाइस, तो मैंने ये कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया है और ये माउस को भी कनेक्ट कर लिया है, और ये कीबोर्ड का साइज देखो, मतलब ये कीबोर्ड मेरे को लगा था इतना बड़ा नहीं होगा, पर ये कीबोर्ड लिटरली बहुत बड़ा है और इसका स्पेस बार यहाँ पर साइड में है। और ये कीबोर्ड के साथ इन्होंने ये एक की पुलर दिया है जो 50,000 का तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये माउस यहाँ पर लग गया है, माउस पे लाइट भी चल रहा है। पर मैंने पता एक चीज नोटिस किया कीबोर्ड के ऊपर, ये जो कीबोर्ड है ना मेरे को यूज लग रहा है, मतलब ये देखो, ये देख रहे हो, ये कीबोर्ड पे यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रैचेस है और ये जो लोगो है ये लोगो थोड़ा सा ऐसा फेडेड वगैरह सा लग रहा है, और मैंने लिटरली यहाँ पे हाथ लगाया भी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे स्मजेस दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये यूज प्रोडक्ट है जो मुझे वापस दिया है, या तो किसी ने इसको रिटर्न कर दिया था और वो रिटर्न वाला प्रोडक्ट मुझे वापस मिल गया है, ये मेरे को नया तो नहीं लग रहा है। ओ भाई तुम्हें, क्या तुम लोग लेंडी पॉड से मिले हो? ये मेरा एप्पल का लेंडी पॉड है, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट गाइस फ्रॉम एप्पल, जो मेरे को इसे मिला है फुल एकदम लेंडी पॉड। रुको तुम लोग को दिखाता हूँ, मेरा फोन किधर है, मेरा फोन, क्या नूबड़ा आदमी हो, खुद के फोन से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ मेरा फोन किधर है। नाइस। ओके, सो अब ये माउस का एक चीज है, जो माउस है ना इसका DPI बदलने का कोई तरीका नहीं है, एंड आई थिंक सो कि अगर ये गेमिंग माउस है तो उसमें DPI चेंज करने का कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने इसका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जो होपफुली जिससे हम लोग DPI बदल सके, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। गाइस एक सबसे मजे की बात देखो, ये अपना माउस यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पे मस्त अपना माउस चल रहा है, लिटरली इसी माउस से अपना माउस चल रहा है, मैं दूसरा यूज भी नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं ये सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, जिस सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल किया इसको रन करने के लिए, ये सॉफ्टवेयर ओपन होती कहता है प्लीज कनेक्ट द USB डिवाइस, प्लीज चेक योर डिवाइस इज अटैच्ड टू USB पोर्ट। तो साले अटैच्ड ही तो है, चल तो रहा है कि
व्हाट? और ये मुझे कुछ भी यहाँ पर चेंज करने नहीं दे रहा यार, डब्बे में कुछ लिखा है क्या? अप टू 3200 DPI पर चेंज कैसे करूँ DPI में? लगता है कट गया अपना। ओके गाइस, तो मैं अभी बैठ के इस माउस का और इस कीबोर्ड का ड्राइवर्स ढूंढ रहा था, और मैंने एक चीज रियलाइज किया कि ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड साला गरबा कर रहा है पूरा टाइम। इसका लाइट, ये क्या लाइटिंग है, ये लाइटिंग चेंज भी नहीं हो रहा है। तो मैंने एक चीज रियलाइज किया कि जो ज़ेब्रोनिक्स का वेबसाइट है, उस वेबसाइट में ये वाले माउस का पूरा ड्राइवर मिसिंग है। मतलब इस माउस का कोई ड्राइवर ही नहीं है। मतलब अगर मुझे इसका DPI वगैरह चेंज करना, तो मैं चेंज कर भी नहीं सकता हूँ। और मुझे कीबोर्ड के लिए जो ड्राइवर मिला, उसको जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, वो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं, मेरे को ये नहीं इंस्टॉल करना है। डोंट इंस्टॉल गाइस। मैंने ये कीबोर्ड में एक चीज नोटिस किया है कि ये जो कीबोर्ड के नीचे जो ग्रिप है ना, लिटरली माउस वाला ग्रिप है। मतलब माउस के नीचे जो ग्रिप होता है, मतलब ये जो दिख रहा है तुमको, जिससे स्लाइड होना इजी है, चलो इसको एक बार छोड़ो, ये तो मेरा प्रॉपर माउस है, जिससे स्लाइड होता है, ये वो वाला ग्रिप है। और अगर तुम एक कीबोर्ड के नीचे का ग्रिप देखोगे, तो वो ऐसे ना रबरी होता है, जिससे वो स्लिप ना करे। तो ये कीबोर्ड जब मैं यूज करता हूँ ना, ये लिटरली स्लिप नहीं करता, ये ऐसे एक जगह अटका हुआ है। और ये जो कीबोर्ड है, इस पर अगर मैं हाथ ऐसे रखूं, तो ये कीबोर्ड मतलब ऐसे ही भटक रहा है। मतलब इसको मैं एक उंगली से मैं ऐसे ही घुमा सकता हूँ, और मैं इसको तो एक उंगली से मतलब हिलाना ही मुश्किल है। लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग, ये बहुत हैवी कीबोर्ड है। और ये कीबोर्ड में कभी कभी गेमिंग करते हो ना, ऐसा मुझे भी हाथ लगता है, तो ऐसे ऐसे कभी AD दबाती हूँ मैं, ऐसे भी अगर हो जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें अगर मैंने थोड़ा सा भी मतलब ऐसे कर लिया, तो ये हो गया, बहुत स्लिप करता ही है। पर एनीवे गाइस, अभी टाइम आ चुका है हम लोग ये कीबोर्ड और ये माउस के साथ थोड़े गेम्स खेलेंगे। ओके गाइस, अपन ने अभी ये वाले कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर लिया है, और ये कीबोर्ड यार कुछ ज्यादा ही स्लिप कर रहा है यार। उस पर हाथ रख रहा हूँ, कीबोर्ड ऐसा डेस्क के बाहर चले जा रहा है। और ये जो माउस है, ये माउस में कोई इतना वियर्ड फील हो रहा है, क्योंकि यार देखो यूजुअली ना हम लोग माउस को ऐसे पकड़ते हैं, और ये वाले माउस को मुझे ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। और सबसे मजे की बात ये कि माउस में जो यहाँ दो बटन है ना, उसका जो दूर वाला बटन है, वो मेरा हाथ पहुंच भी नहीं रहा है वहां तक। मतलब मगर माउस को ऐसे यूज कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ बस यहाँ तक जा रहा है। दूसरा बटन दबा रहा हूँ, मुझे इसको छोड़ के ऐसे आना पड़ता है बटन दबाने के लिए। नाइस अर्गोनॉमिकल डिजाइन, एकदम फुल अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स इनटू 100 गाइस। और ये गाइस हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं, और यार माउस का DPI मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा माउस कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, इतना मेरे को आदत नहीं है। मतलब जिन लोगों को नहीं पता माउस का DPI क्या होता है, DPI इज बेसिकली डॉट्स पर इंच। आई नो दैट साउंड्स रॉन्ग, बट इट इज नॉट रॉन्ग। बेसिकली DPI तुम्हारा जितना कम है, उतने में तुम माउस को जितना ज्यादा घुमाओगे, माउस उतना कम घूमेगा। और माउस को तुम जितना ज्यादा घुमाओगे, उतना ज्यादा नहीं मतलब उतना ही घूमेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? So exactly, मैं यहाँ पे DPI कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और ये माउस यूज करके मेरे को लिटरली लग रहा है कि मैं कंट्रोल में हुई नहीं। ओके, तो अपन ने एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड लोड कर लिया, और ये हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। आई थिंक माइनक्राफ्ट खेलने में कोई तकलीफ नहीं है इससे। स्पेस बार थोड़ा बहुत ही अजीब जगह में, मेरा हाथ बार बार वहां जा रहा है जहां पे अपने स्पेस बार का आदत है। इस कीबोर्ड में स्पेस बार ऐसे राइट साइड में। और यार मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो कीबोर्ड है, वो लिटरली स्लिप कर रहा है। मतलब कीबोर्ड यहाँ से वहां सटके जा रहा है। ओके, अपन ने यहाँ पे झाड़ तोड़ लिया, और आई थिंक सो माइनक्राफ्ट का जनरली सब कंट्रोल्स अपने पास इधर अवेलेबल है। आई थिंक माइनक्राफ्ट के लिए सही है। तो अपने क्राफ्टिंग टेबल भी बना लिया है, मस्त वाला आराम से क्राफ्टिंग टेबल रख लिया, ये प्लैंक्स डाल लिया, इसका स्टिक बना लिया, और अपने पास दो ही है, तो दो से हम लोग बस हो बना सकते हैं, तो हमने हो बना लिया। पर यार आई थिंक सो ये जो कीबोर्ड और माउस है ना, इसका असली टेस्ट होगा वैलोरेंट के अंदर। मतलब अगर मैं कोई एक्चुअल ऐसा कॉम्पिटिटिव गेम खेलूं जिसमें मुझे माउस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे हम लोग इसको एक्चुअल में टेस्ट कर पाएंगे। मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर क्या है, माइनक्राफ्ट के अंदर मुझे DPI फर्क नहीं पड़ता, मुझे माइनक्राफ्ट में फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरा ये स्किप स्लिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। असली फर्क और असली मजा जो है, वो आएगा वैलोरेंट के अंदर। तो जल्दी चल के वैलोरेंट लोड करते हैं। और यार माउस मेरे को बहुत अजीब लग रहा है यार। ओके गाइस, तो ये हम लोग आ चुके वैलोरेंट के अंदर, और वैलोरेंट के अंदर मतलब ठीक ठाक सा लग रहा है, तो जल्दी चल के एक डेथ मैच चालू करते हैं। और बाय द वे, जो भी मेरा वैलोरेंट का रैंक पूछता है, I am Diamond 1, ठीक है, मैं बहुत प्रो गेमर है। ऑलराइट, तो जल्दी से अपन लोग डेथ मैच चालू करते हैं, और देखते हैं कि ये माउस से वैलोरेंट खेलने में कितना मजा आएगा। यार कीबोर्ड अभी तक स्लिप कर रहा है यार, मैं कीबोर्ड में हाथ रखता हूँ, कीबोर्ड सटक के ऐसा वहां चले जाता है कहीं तो। ओके, डेथ मैच के अंदर अपन आ गए। अबे एक सेकेंड, ये कीबोर्ड के अंदर बाई वाला बटन ही नहीं है। अरे इसमें बी का बटन ही नहीं है, मैं बाई कैसे करूं? करवा ली बेइज्जती है, बाई के लिए मुझे कुछ और बाइंड करना पड़ेगा। बाई कहां से करते? इक्विपमेंट में होगा, यहाँ भी नहीं है। भाई बाई का कहां पर है? ओ ये रहा, ओपन आर्मरी। तो इसको मैं एक है?
अबे साले क्या स्कैम कर रहे बे? सो यहाँ पर अपेरेंटली इन्होंने हमें 5 बटन्स दिए थे कीबोर्ड के ऊपर, जिसको हम लोग कस्टम बाइंड कर सकते हैं एक्शंस के साथ। पर ये जो सारे बटन्स हैं, ये अलग बटन्स नहीं है, ये लिटरली F1, F2, F3, F4, F5 है। ओके भाई, गजब का स्कैम है। अब निकलते ही मर गया। ऑलराइट, तो हम लोग वैलोरेंट खेल रहे हैं इसके साथ। तो और एक बंदा मारा। ओ शिट शिट, नहीं 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 नहीं, अबे यार इस माउस में कंट्रोल ही नहीं है, ये माउस पे कंट्रोल ही बहुत अजीब है। मैं डेथ मैच में कैंप कर रहा हूँ गाइस। सब जगह से लोग आ गए। हेलो, आजा आजा, फुल कैंप कर रहा मैं, आजा आजा। हाँ आया तो 4 लोग एक साथ आएंगे। मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोग कैंप कर रहे हैं, मैं अकेला कैंपर नहीं हूँ। अबे कितना अजीब लग रहा है मेरे को ये माउस पे खेलने को, ये माउस से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। भाई भाई, डब्बे में लिखा है DPI का ऑप्शन है, पर DPI कंट्रोल किससे करूं? वेट, शायद से DPI का बटन दिया है। ओ एक सेकेंड, मे बी इससे DPI थोड़ा सा कम हुआ, मे बी। ओके, तो ये माउस के ऊपर एक बटन लगा हुआ है, शायद से वो बटन से। अरे तिहा 10 लोग एक साथ मार लो। आई थिंक वो बटन से DPI कंट्रोल हो रहा है। 132 मे बी, शायद अपन ऑब इससे अच्छा चला पाएंगे, अपन इससे ऑब ट्राई करते गाइस। ओए ऑब वाले पैसे रश नहीं करने का। गोली उसे कपड़े के अंदर से गया भाई, ये गलत है। अरे आ जाओ ना कोई तो। गाइस मेरे पास एक मस्त आइडिया है गाइस, मैं ओडिन चलाएगा। नूब्स, सॉरी गोटिया, प्लीज कट दिस पार्ट आउट ऑफ द वीडियो। गोटिया मैं जितने बार भी वैलोरेंट में मरा हूं ना, वो वीडियो में जाना नहीं चाहिए, ठीक है? सब कुछ काट देने का, ऐसा लगना चाहिए वैलोरेंट में मरता ही नहीं कभी भी, ठीक है? मैं मर सकता ही नहीं कभी वैलोरेंट में आज तक। गाइस देखो, मैं नाइफ करेगा, देखो ये देखो ये देखो नाइफ, देखो ये देखो ये देखो क्या नाइफ किया है गाइस। ओ माय गॉड, प्रोफेशनल गेमर नाइफ मूव्स गाइस। तुमने क्या किसी को आज तक नाइफ करते देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि कोई नाइफ कर सकता ही नहीं है, बस मुझे आता है नाइफ करना। ये देखो कैसे मारूंगा इसको, ये देखो। गोटिया एडिट मारो। क्या मतलब गोटिया से मैं सारे मरने के बाद एडिट करवा रहा हूँ? गोटिया को मैं पैसे दे रहा हूँ, वो गोटिया काम है, पैसा वसूल कर रहा हूँ मैं गोटे को देके, ठीक है? देखो गोटे को जितने मैं पैसे दे रहा हूँ वसूल करूंगा। ये देखो गाइस, देखो अभी नाइफ करूंगा, देखो गाइस ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये थोड़ा आगे हो ना, ये थोड़ा आगे हो ना रे, ये देखो टक। अरे ये देखो क्या नाइफ किया गाइस, नाइफ देगा तुम्हें, नाइफ देगा गाइस, नाइफ किया मैं, नाइफ, प्रोफेशनल नाइफिंग गाइस, प्रोफेशनल नाइफिंग। ये देखो इधर बंदा रहेगा, देखो दिखा रहा हूँ बंदा इधर, देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 अभी आएगा ही नहीं, देखो वो देखा इधर बैठा है साले, ऐसे लड़ते हो उन्होंने के साथ, ये पीछे से मारा गलत बात है। ये देखो लोग पीछे से मारते हैं, पीछे से ये सब मदर फादर बैड मैनर्स हो रहा है गाइस। ये देखो, अरे गाइस मेरे को एक मस्त आइडिया मिला। मैं यहाँ से हटेगा इतने अभी। हाँ टेलीपोर्ट मार, मार टेलीपोर्ट जिसको मारने का है। हे हिम्मत टेलीपोर्ट मार के दिखा, टेलीपोर्ट मार के दिखा। अरे आजा टेलीपोर्ट मार, कौन टेलीपोर्ट मार रहा है, किसमें टेलीपोर्ट मारने की हिम्मत है? एक तो बंदा आना चाहिए टेलीपोर्ट मार के गाइस, एक तो बंदा आना चाहिए। इतनी मारूंगा ऐसा पिछवाड़े पे एम लेकर, पिछवाड़े में गोली मारूंगा पिछवाड़े में। अरे गलती से कोई अंदर घुस जा, अरे कोई तो आ जा। अरे यार क्या बेइज्जती है यार, मैं थोड़ा घूम फिर के आओ क्या इसके आते आते। आया 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 आया, अरे सामने जा रहा है यार, इधर आओ ना टेलीपोर्ट मारो ना कोई। इधर एक बंदा है, ए नूब, नूब। भाई टेलीपोर्टर के अंदर ओडिट लेके बैठने का मजा ही अलग है। अरे यार चेंबर को 2 किल चाहिए मैच खत्म करने के लिए, प्लीज चेंबर से कोई मत मरना यार। अबे यार मैं आगे आ गया था, अबे साले का 1 किल बचा है और उसे कर भी लिया। सो एनीवे गाइस, ये था हमारा स्पेशल गेमिंग कीबोर्ड और गेमिंग माउस का गेम प्ले। अब अगर मैं तुम लोग को ऑनेस्ट रिव्यू दूं इन दोनों चीजों के बारे में, तो दोनों बहुत ज्यादा
अजीब है, दोनों बहुत ज्यादा टट्टी है। सबसे पहले तो ये जो अर्गोनॉमिक माउस है ये बिल्कुल भी अर्गोनॉमिक नहीं है। वो माउस में मतलब ठीक है मेरा हाथ दर्द तो नहीं हो रहा है बट ऐसे मजा भी नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग को नॉर्मल माउस का आदत पड़ चुका है। आई डोंट नो अभी किसी को माउस क्यों चेंज करना है। आई थिंक जो माउस हम लोग करेंटली यूज कर रहे हैं वो सही है। और रही बात कीबोर्ड की, कीबोर्ड में मेरा एक्चुअली हाथ दर्द हो गया क्योंकि हमारा नॉर्मल कीबोर्ड है हम लोग हाथ को ऐसे रखते हैं तो हमारा जो उंगली है वो ऐसा मस्त रेस्ट होता है। इसमें अपने को थंब को ऐसे रखना पड़ता है पूरा टाइम। अब कोई भी थंब को अपने ऐसे नहीं रखता पूरा टाइम, तो इसमें ऐसे करके थंब को अपने को स्पेस बार में ऐसे दबाना पड़ता है जंप करने के लिए। तो इससे मेरा यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे रिस्ट के यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो सो आई डोंट थिंक सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गेमर के लिए। ये मेरे को बस टाइम पास सा लगा, मतलब तुमको टाइम पास करना है वीडियो बनाने तो वीडियो बनाओ उठा के, बट मैं स्टिक करूंगा मेरे कीबोर्ड के साथ। ओ एक सेकेंड, एक और चीज तुम्हें बताना भूल गया। मैं थोड़ी देर पहले मेरे कीबोर्ड को ऐसा ऐसा करके 3-4 बार अपटा और मेरा कीबोर्ड चालू हो गया। मतलब अभी कीबोर्ड खरीदने का कोई जरूरत नहीं। Nice! So anyway guys, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो आपको आज के वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और तुमसे मिलता हूं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।